नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से आज्ञा चक्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके, और यदि वीडियो देखने के बाद आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब यदि मैं बात करूं आज्ञा चक्र या फिर उसके जागृत होने के बारे में, तो मैं एक जानकारी तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से दे देना चाहता हूं, जो कि शायद आपको पता नहीं होगी, और वो ये है कि हम बहुत ही साधारण रूप से कह देते हैं कि हमारा ये चक्र जागृत हो गया या वो चक्र जागृत हो गया, पर मैं आपको सच में एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि चक्रों के जागृत होना बहुत कोई छोटी सी बात नहीं है। ये कोई हलवा नहीं है कि ये चक्र जागृत हो गया या वो चक्र जागृत हो गया। आज्ञा चक्र छोड़िए, यदि आपका मूलाधार चक्र भी अच्छे से जागृत हो गया ना, तो आपकी स्थिति एक साधारण इंसान की स्थिति से बहुत ऊपर उड़ जाती है। वो इंसान एक साधारण इंसान रह ही नहीं जाता, उसके पास कई सारी अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ज़रा सोचिए कि मूलाधार चक्र जो कि सबसे नीचे है, उसके जागृत होने पर ये स्थिति हो जाती है, तो आज्ञा चक्र जो कि हमारे चक्रों में से छठवें नंबर पर आता है, वो चक्र जब जागृत होगा तो क्या आपकी स्थिति यही बनी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि यदि मैं आपको बताऊं तो आज्ञा चक्र के जागृत होने की तो स्थिति वो होती है जिसमें एक इंसान भगवान होने की स्थिति में आ जाता है, यानी उसका और उसके भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रहता, वो खुद एक ब्रह्मांड स्वरूप बन गया होता है। वो स्थिति होती है आज्ञा चक्र के जागृत होने की। तो सच्चाई केवल इतनी है कि जब भी हम ध्यान साधना या मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो हमारे जितने भी चक्र होते हैं, उन चक्रों में मौजूद जो संचित कर्म होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे चक्रों की जितनी भी खराबी होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बात केवल चक्रों के साफ होने और चक्रों के ख़राब होने की है, लेकिन ये बोलना कि चक्र जागृत हो गए, ये एकदम अलग स्थिति होती है। यदि आपके चक्र खराब होंगे तो आपके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं होंगी, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, परंतु यदि आपके चक्र साफ़ सुथरे होंगे, ठीक होना शुरू हो जाएंगे, तो उन चक्रों के जितने भी फायदे होते हैं वो सब आपको मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर बात केवल चक्रों के साफ होने और ख़राब होने की है, न कि ये कि चक्र जागृत हो गए, क्योंकि चक्र जागृत होना बहुत अलग बात होती है। परंतु हम जो भी गहन ध्यान या साधना करते हैं, उन वजहों से हमारे सारे चक्रों पर असर होना ज़रूर शुरू हो जाता है, और उस असर होने की वजह से जो चेंजेस या बदलाव आते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। बहुत गहन ध्यान, बहुत गहन परिश्रम और बहुत गहन साधना के पश्चात ही हमारे चक्रों के जागरण की स्थिति बनती है, और उसके पश्चात जो स्थिति बनती है वो एकदम अलग होती है, चाहे वो मूलाधार चक्र जागृत हो या फिर हमारे अन्य चक्र जागृत होना शुरू हो जाएँ। तो जब भी हमारा आज्ञा चक्र ध्यान या साधनाओं की वजह से साफ होने लग जाता है या सही स्थिति में पहुंचने लग जाता है या उस पर असर होकर वो उच्च स्थिति पर पहुंचने लग जाता है, तो हमें कई सारी शक्तियां व सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं, और उसके पश्चात कई सारे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि त्रिकालदर्शी हो जाना। हमारे जो संत महापुरुष होते थे, उनके आज्ञा चक्र कहीं ना कहीं जागृत होता है, जिस वजह से वो जो भी हमें बताते हैं कि आप ये कीजिए, उसके वजह से आपका अच्छा हो जाएगा, और जब हम वो करते हैं तो हमारा वो अच्छा हो भी जाता है। उसके पीछे रीज़न यही रहता है कि उन्हें हमारा फ्यूचर पता होता है कि ये इंसान यदि इस तरीके से चीज़ों को करेगा तो इसका सही हो जाएगा। कुछ संत तो ये भी बताते हैं कि जिस इंसान का आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाता है, वो इंसान अपना खुद का एक यूनिवर्स बनाने की तक ताकत रखता है। और इसी वजह से मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में ये कहा था कि हमें अपने मूलाधार चक्र को सबसे पहले जागृत करना चाहिए, और उसके पश्चात ही हमें हमारे बाकी चक्रों पर जाने की कोशिश करना चाहिए। पर इसके पश्चात भी कई सारे लोगों ने ये कहा था कि नहीं, आप गलत बता रहे हैं, आप आज्ञा चक्र पर जाने को क्यों मना कर रहे हैं, हम सीधे आज्ञा चक्र पर जाकर अपना ध्यान जागृत कर सकते हैं। परंतु उसके पीछे रीज़न यही था कि यदि हम अपने सारे चक्रों को छोड़कर सबसे पहले आज्ञा चक्र पर ही यदि चले जाएंगे तो हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी ये बोलना कि हमारा ये चक्र जागृत हो गया या वो चक्र जागृत हो गया, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि चक्रों का जागृत होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कीजिए, और उसके पश्चात ही अपने बाकी चक्रों पर जाकर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तब उसके अच्छे असर हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।